भाई साहब इनको कुछ समझ ही नहीं आ रही है, मैं समझाने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ। कैमरा इंग्लिश इंग्लिश। तो भाई साहब ये हैं इनके पापा मॉम एंड डैड एंड ब्रदर। तो इनके घर में रुका हुआ हूँ। हेलो वेयर सिस्टर, इनकी बहन अभी अंदर है। और नेम नेम माय नेम रवनेश, योर नेम दुआता, ओके योर नेम आपका योर दूतया, ओके अच्छा लगा मिलकर। तो भाई साहब ये इनकी फैमिली है और यहाँ पे आज स्टे करेंगे। चलो ठीक है, अब चार्जिंग अभी ये चार्ज भी नहीं है कैमरा, इसको चार्ज करके। भाई अंकल स्टे दिस एरिया चिब्बई क्लो में। तो भाई साहब इनके साथ खाना खाऊंगा अब। और आज मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 6 बजने वाले हैं, फिर 6 बजे खाकर सो जाते हैं। तो भाई साहब ये चावल है और ये नेम साग अंचम और दिस इसकूत और वो तो दाल है, वो तो मालूम है, और अंडा है, और वो पता नहीं क्या है। दिस नेम अंथूर अंथूर, ओके अच्छा है। फूड इज नाइस नाइस फूड क्लो में चिब्बई। तो भाई साहब खाना खा लिया है, ठंडी में ही बर्फ का पानी ले लिया। क्लो में फूड डेटिंग क्लो में चिब्बई क्लो में आंटी। तो ठीक है अच्छा है अच्छा है अच्छा है। भाई साहब इसको हिंदी सिखा रहा हूँ मैं। तो भाई साहब ये नहीं जा रहे हैं स्कूल, इनके पैर में चोट लगा हुआ है। और ये जा रही हैं दोनों बहनें, एक निकल गई आगे छोटी वाली और ये जा रही है बड़ी वाली। ओके बाय। इसके वजह से थोड़ा ट्रांसलेट हुआ ये रही, तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं विदा कर रहे हैं ये लोग। क्या पंगा है भाई, मुझे और ना किसी गाड़ी पे बैठा के ही भेजें, मेरा तो और ना जितना मैंने बचाया उससे ज़्यादा लगा जाए। पर मैं मना करूँगा उसको कि भाई मैं नहीं जाने वाला। एक और बात है यार, सेट वाले भी मैंने दिखाया ही नहीं लोगों को रुका कर। चलो अब छुट्टी होगा तब फिर दिखाऊंगा है भाई। अजीब है यार ये तो। बात बता दूँ, जो मिजोराम के एक लड़का था, हम लोग रह रहे थे आइजोल के विलेज, आइजोल के एक विलेज था वहाँ पे कैपिटल सिटी में ही। तो वहाँ पे हम सरकारी गवर्नमेंट लॉज थी तो वहाँ पे रुक रहे थे। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त बना, जो उसके वजह से उसने कहा कि जब कभी जाना उधर उत्तलांग साइड तो आप फ़ोन करना, मैं आपको रहने का जगह बता दूँगा। उसका एरिया है और उसका ये पता नहीं क्या लगेंगे, उसी के पास उसके ही घर के, मतलब उसका ही घर मान लो, उसी के घर में हूँ रह रहा हूँ। ठीक है मिलते हैं, बाय। भाई सब खाना खा लिया और जाने का टाइम हो गया। वैसे मैं आपको ये कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, वेजिटेरियन है वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन के लिए स्वर्ग तो है पर वेजिटेरियन के लिए नर्क है। भाई साहब मुझे लगा कि यार दाल में, दाल जो है वो वेज होगा, उसमें भी मीट था यार। रात को मैंने थोड़ा सा खाया था और फिर छोड़ दिया, देखा कि यार भाई इसमें तो है खराब, भाई संभल कर देख कर खाना होगा यार, वरना उसमें भी निकल जाए। तो भाई साहब जाने का टाइम हो गया, देख लो ये दाल है इसमें मीट उट होगा ज़रूर। और वो सब सब्जी खाया हम लोगों ने और इन्होंने खिलाया। थैंक यू नैनी नाउनो क्लो में चिब्बई, थैंक यू भैया मीन मिजो, भैया ब्रदर मीन मिजो उनाउनो उनाउ उनाउ पा फसल फसल क्लो में चिब्बई फसल निकल रहे हैं। ओके बाय। हेलो जा रहा है
आपका वो जाएगा जाएगा। हाँ ओके कलो में ची भाई, बाय बाय बाय, थैंक यू कलो में। सही है भाई, इधर के लोग ठीक है। निकलने का टाइम हो गया है और ज़्यादा दिन, पता नहीं मैंने कल रात को ना इनके पास, इसने बोतल निकाल के दिया था यार, फ्रिज वाला पानी पी लिया था मैंने। मेरा फिर तबीयत ख़राब हो गया है सर्दी जैसा, और इसका भी हुआ है बुढ़वा का। और क्या करें अब निकल रहे हैं हम। और क्या कहते हैं यार, एक और बात, कपड़े भी गंदे हो गए, डेली धोएंगे तो इसका एक तो कलर उतर जाएगा, पर मैंने डेली भी नहीं धोया है। और इसके पास रहने से ठीक है यार, उधर के लोग ही, इधर के लोग। पर मैं आप लोगों के मैंने कहा कि जैसे कि यहाँ पे जो वेजिटेरियन के लिए यार नरक जैसा है यार मिजोरम, भाई साहब मुझे उम्मीद नहीं था कि इन्होंने दाल में भी मीट डाला है। रात को मैंने एक कवर जो कहते हैं ना, जब खाना चाहा तो देखा कि साइड में मीट पड़ा है। अरे भाई मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भरा हुआ है, जबकि आप लोगों ने देखा था कल मैंने ब्रेड खाया था। आज मैंने कहा कि उसके बुढ़िया से, यार क्या अच्छे हैं तो यार क्या उनको क्या मालूम है। मैंने कहा कि भाई मैं नहीं मीट खाता, आई डोंट नॉट ईट फॉर मीट। अरे भाई साहब शुक्र है आज उन्होंने नहीं डाला था, कि पता नहीं यार, नहीं तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा यार, वेजिटेरियन बेचारे पंडित होंगे। मैं नहीं भाई साहब इधर रह सकता हूँ, उन्होंने धर्म भ्रष्ट करने पे ये तुले हुए हैं। हर एक चीज़ में मीट, हर एक चीज़ में मीट, साले रेयर भी है, वेजिटेरियन में भी रेयर है। हरा सब्जी जो खाता है ना बहुत प्योर ही हरा खाते हैं, जो कि हमसे खानी होगा। इसी करके ये 100 साल तक जीते हैं, इनका और जापानीज का खाना मिलता जुलता होता है सब कुछ। और बात है यहाँ की, जो स्कूल है ना 25 किलोमीटर दूर जाके होती है इधर की स्कूल। ये देखो भाई, जब बारिश होती है तो बारिश की पानी स्टोर करने के लिए इन्होंने वो करकट लगाया है, और वो वाला जाएगा सीधा टैंकी में। इसमें यार यहाँ पे पानी की बहुत लोड है ना। और ये लास्ट घर है जो मतलब आगे का उतलांग जो भी है, ये बिलिस का लास्ट गांव है। भाई साहब उधर से मैं इसीलिए जल्दी निकला घर से, नहीं तो निकलने वाला मैं नहीं था यार। सर्दी हो गया है तो मेरा नाक छा छा कर रहा है, खास छींक हो रही है, तो अगर जे मैं उनके सामने छींकता, भगवान की दया से मैं छींक रोक लिया था मैंने एक बारी, अगर जे छींकता तो कहते कि भाई कोरोना हो गया है इसको। हालांकि अभी कोरोना का वो नहीं है, तब भी लोग डरते हैं ना, एक खौफ रह गया है उसका, कोरोना का वो खौफ कभी भी नहीं जाता। कोई भी खौफ आ जाता है ना हमारी ज़िंदगी में जो हमने नहीं देखा होता है, और वो आ जाती है तो भले ही बहुत साल उसकी बीते जाए पर वो भूलते नहीं है यार। अंदर से जो दिल दिमाग होता है, आत्मा होती है, वो भूलती नहीं है। इस करके मैं नहीं, मैंने छीका यार, इस करके मैंने कहा कि भाई यहाँ से निकलना अभी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, तो मैं निकला। अच्छे थे वो लोग और बहुत ही सेवा सत्कार किया, और मेरे दोस्त ने होस्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओ भाई साहब इस बाइक में मुझे शिफ्ट मिल गई है, ये भाई है, पता नहीं क्या बोल रहे थे मुझे नहीं समझ में आता, और इन्होंने लिफ्ट दिया है। अजीब है यार भाई, यहाँ पे लोकल गरीब गरीब लोगों के पास भी होती है ये सब बाइक, मुझे तो यार डर ही लग रहा है। जमका तभी ठीक रहेगा।
सब बाइकों पे मुझे बहुत डर लगता है। सब ये दिल कौन विलेज है यार, इधर का काम जो होता है ना बहुत साफ सुथरा होता है। ये ट्रिया देखो, तो भाई तब इन्होंने लिफ्ट दिया यार यहाँ तक। ये कह रहे हैं कोई काम करते हैं, यू आर वर्क है बट कौन सा काम? जियो जियो भाई, ये जियो का जियो भाई का केबल आ रहे हैं, तार लगा रहे हैं। अच्छा ना ये देख रहे हो भाई, ये पूरा मतलब ये जो पूरा पहाड़ी भाई साहब, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर जो आना हो ना इधर मिजोरम में तो भाई साहब आप आओ, बहुत प्यार से आओ भाई। लोकल जो विलेज है उधर जरूर घूमो यार, बहुत ज्यादा अच्छा है यार इधर का विलेज। देखो इधर किसी ने अभी तक कोई आया नहीं होगा, और मैं आया तो यार कितना बढ़िया नज़ारा मिल रहा है मुझे देखने को, और तो यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं यार, बिना मतलब के लिफ्ट दे देते हैं, जबकि मैंने मांगा नहीं था यार। चल रहा था आर्मी वहाँ पे थी तो वहाँ से मैं चल रहा था, इसने पूछा कि कहीं पे जाना है तो इसने लिफ्ट दे दिया यार बिना मतलब का। जिसको लिफ्ट हिचहाइकिंग करना हो ना, नया हो जो, वो आए और इधर वो करे, प्रैक्टिस करे। भाई साहब अगर जी आप नहीं मांगोगे ना तब भी ये लिफ्ट दे देंगे प्यार। एरिया में तो हालांकि मुश्किल है, पर आप हाथ हिलाकर ऐसे करोगे रुकोगे तो जरूर रुकेंगे। अच्छे इधर के लोग बहुत ज़्यादा हैं, पर अगर जी आप विलेज में आओ तो इधर कोई वो नहीं है खाने पीने वाला इलाका, आपको खुद बनाकर खाना पड़ेगा, चक्कर है। बाकी सब बहुत बढ़िया है, खूबसूरत है मिजोरम, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई ट्रैवलर होने के नाते, टूरिस्ट गाइड के नाते आपको मैं सजेस्ट करूंगा मिजोरम एक बार ज़रूर घूमो, और अपना बिहार भी ज़रूर घूमो, उधर के भी बहुत अच्छा है। तो ठीक है, मिलते हैं। तो भाई साहब इन्होंने मुझे देखा था जोतलांग में, मैं पैदल चल रहा था, तो थैंक यू कलो में चिब्बई यार। भाई साहब यहाँ पे हर एक के पास ऐसी बाइक होती है, गरीबों के पास भी होती है भाई, यहाँ पे जो वो करकट वाले नहीं होते झोपड़ी वाले, उनके पास भी होती है, जैसे ये भी है एक। भाई साहब बाइक इनके पास बढ़िया होती है, और इसने मुझे जोतलांग में देखा था तो लिफ्ट दिया अगले ने यार, बहुत अच्छा है इधर के लोग, नाइस पीपल यू, नाइस ब्रो। भाई साहब एक तो मैंने लिफ्ट नहीं मांगा था क्योंकि यार मुझे थोड़ा चलना था ना, तो जो मुझे वो हुआ है सर्दी, उसको मैं चलकर अपने पसीना से तो पसीना निकलता तो उससे ठीक हो जाता ना, तो यार इसने लिफ्ट दे दिया। तो भाई साहब ये जबकि एरिया जो है ये थोड़ा ख़राब, यहाँ पे कोई आपको लगता है कि आता होगा, इन्होंने यार पूरा इधर का भी सफाई किया है, जितना हो सके ना विलेज उनका जहाँ तक पड़ता है उस एरिया को सफाई कर देते हैं, जिसका आगे का विलेज पड़ता है वो पीछे का वहाँ से ले जाता है। तो भाई साहब ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है यार, दिस इज एरिया कोल्ड कोल्ड यू नो। तो भाई साहब इनो ये जाएंगे इधर किधर, दिस वे यू गोइंग? खोंगलैंग। तो भाई साहब खोंगलैंग ये यहाँ पे काम करेंगे, और मैं जाऊँगा दोंगतलाई। और ब्रो यू फेस, तो भाई साहब नज़र ना लगे काला टीका लगा हुआ है अच्छा नाइस। तो इन्होंने ये दिया, इनका नाम भूल जाता हूँ बार बार, तो जो भी है अपने लोगों ने पीछे देखा था तो ठीक है, यहाँ तक कम से कम इन्होंने 20 किलोमीटर छोड़ा होगा, 20 के लगभग, हाँ 20 किलोमीटर छोड़ा है।
थैंक यू कोलोमे चिप भाई। तो अब हमारा रास्ता सफर हो हमारा रास्ता इधर को जाएगा, इनका रास्ता इधर को जाएगा। तो बस यही कहना था, और आगे का बताऊंगा। अगर जब आपको इधर आना हो दुमतलैंग, ये सब मतलब बर्मा के आसपास जो विलेज आपको घूमना हो मिजोरम में, तो आपको चंपाई गेट के पास से ही निकलना पड़ेगा। एक ही रोड है जो आप पूरा आसपास के घूम सकते हो। उधर का मौसम बहुत ख़राब है यार, जैकेट जुकर साथ में लेकर आना मोटा ही। तुरंत में तो ठंड नहीं लगेगी, आगे जाके हालत ख़राब हो जाएगा। जिसका सर्दी भी है, दवाई मैं नहीं लेकर आया हूँ यार। मम्मी मेरी दे रही थी पर मैं नहीं लेकर आया। मैंने कहा कि यार लोड ही नहीं पड़ता है, कभी कभी लोड पड़ता है। तो भाई सब 10 बजे से बैठे बैठे 11:45 हो गया है। अब आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। दमतलांग विलेज का नाम है। वैसे वहाँ तक मेरा वो है डेस्टिनेशन, पर मैं जहाँ मर्जी रुक सकता हूँ, ये मेरा पूरा फिक्स नहीं है। मैं कोई अपना वो बना के नहीं चलता है यार, अपने मर्जी से चलता हूँ। जहाँ तक चल सकूँ वहाँ तक चलता हूँ। मेरा मर्जी, मेरा मन करे मैं नहीं जाना चाहूँ ना जाना चाहूँ, ऐसे मैं चलता हूँ यार। मेरा मेन मकसद नहीं होता है, फोकस नहीं होता है कि मुझे सीधा वहीं पे ही जाकर रुकना है। ठीक है, अपने मर्जी से चलता हूँ भाई। मेरा सर्दी मुझे हो गया, आज लिफ्ट नहीं लेना चाहूँगा मैं। आज मेरा हिचाइकिंग का मूड नहीं है। सर्दी जो है चलूँगा, थोड़ा पसीना होगा तो उससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। शुक्र है भाई ये रुमाल मेरा साथ दे रहा है, नहीं तो नाक इसमें ही कपड़े में ही पोछ पोछ के हालत ख़राब कर लेता मैं। अभी ये साथ दे रहा है भाई, मैं चलो शुक्र है लेकर आ गया था। मुँह हाथ पोछने में भी यही साथ देता है, आज मैंने इसको गंदा कर दिया। अब जाऊँगा तो कहीं रुकूँगा तो इसको साफ करूँगा मैं। तो चलिए थोड़ा पैदल चलूँ मैं, मिलता हूँ आगे। हाय हाउ टू इन्वेस्ट।